मुख्य शब्द कीवर्ड्स: दिक्सूचक सुई, चुंबकीय क्षेत्र, सीधा चालक, परिनालिका, चुंबकीय बल रेखा, उदासीन बिंदु, जनित्र या डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, विभक्त वलय, दिक् परिवर्तक वलय, मैक्सवेल का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। हमने सीखा, दिक्सूचक सुई एक छोटा चुंबक होता है जिसका एक सिरा सदैव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है, तथा दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है, दक्षिण ध्रुव कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें उस चुंबक के बल का पता चलता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण चुंबकीय बल रेखा द्वारा किया जाता है। चुंबकीय बल रेखा वह निष्कोण वक्र है जिसके अनुदिश कोई कल्पनातीत एकांक उत्तर ध्रुव गमन करता है। जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उदासीन बिंदु वह है जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र व चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान व विपरीत है। किसी भी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंधित होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्री वृत्तों के रूप में होती हैं, जिनकी दिशा दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। परिनालिका विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों की कुंडली होती है। विद्युत चुंबक में नरम लोहे का क्रोड होता है जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली लपेटी होती है। जब किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह बल का अनुभव करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। विद्युत जनित्र या डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है।